कैसा चल रहा है बंगाल में सब? बंगाल का तो सभी ठीक है, खाली आपका कारोबार थोड़ा ढीला है और पॉलिटिकली थोड़ा तो हलचल चल रहा है। बहुत ज्यादा हलचल हो गया है इस समय तो। हाँ, हलचल तो चल रही है, पूरा इंडिया ही देख रहा है क्या पॉलिटिक्स चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बंगाल में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल हलचल इसके पहले कभी आपने देखी है जितनी अभी दिख रही है? नहीं, ऐसे तो था ही, पहले से ही था पॉलिटिकल हलचल, लेकिन इतना हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चलता था। बड़ी दादा बड़ा लड़ाई चल रही है तो हमले पत्थर सब चल रहे हैं। लड़ाई दादा पहले से ही चलता था, ये ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे आपका पॉलिटिकली मर्डर या पॉलिटिकली आपका कुछ भी होता है, लेकिन बट इतना रॉ स्टेट में कभी नहीं गया। मतलब पर्सनल लेवल में जितना आपका उल्टा सीधा बात चल रहा है, ये चल रहा है, ये कभी ऐसा नहीं था। थोड़ा एडुकेटेड पॉलिटिकल वर्ड चलता था, लेकिन अभी जैसा हो गया कि पूरा मतलब स्लम में जैसा झगड़ा चलता है वैसा हो गया। चल रहा है ऐसा, ये यहाँ पर जो विद्यासागर कॉलेज, यहाँ भी हंगामा हो गया था, आपको याद ही होगा, टूट गई थी उनकी मूर्ति, टूट गई थी। इस सब का बंगाल का जो लोग है वो कैसे लेता है इन चीजों को, जो ये हो जाती है मूर्ति टूट गई? बात ये लेने का बात नहीं है, बात है इससे किसको क्या फायदा हो रहा है, इससे किसको क्या फायदा हो रहा है। हम लोग शांति प्रिय इंसान है, ठीक है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो। नहीं, मतलब ये जो लोग ये करते हैं उनको क्या लगता है इससे वोट मिल जाएगा, पब्लिक साथ आ जाएगी, क्या लगता है क्यों ये सब होता है यहाँ पर? ये तो दादा पता नहीं है, आपको वही बोले ना, किससे किसको कैसे फायदा होता है ये जो राजनीति में है उसको ही पता है, ठीक है। हम लोग तो आम वोटर है, हम लोग तो। दादा लड़ाई किसके बीच इस बार, क्या लग रहा है आपको? लग रहा कुछ नहीं दादा, हम लोग को शांति चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहिए। हाँ। एक नीट एंड क्लीन। आखिर में अभी शांति है कि नहीं है? नहीं भी है, नहीं भी है। दादा आप बीच में ले आते हो बात को, इधर उधर नहीं, बीच में सीधे। बीच में सीधा हम तो बोल रहे हैं, था अभी भी है, लेकिन आगे जाके क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हम लोग को शांति चाहिए, हम लोग को शांति से जीना है, कारोबार करना है, सबको आगे जाना। जब इधर से कोई नेता अपना रोड शो निकालता होगा तो आप फिर घबरा जाते होगे, फिर ना कुछ? घबराने का दादा बात नहीं है, घबराए कहाँ है, इतना हंगामा हुआ, टूट गई मूर्ति वहाँ पर। दादा हम लोग को देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल कलर के अंडर नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं हो तब तो आपका कारोबार है। पॉलिटिकल पार्टी कोई आपका कारोबार में हाथ देता नहीं है दादा, ये आप जिस जिसको ही सपोर्ट करो या ना करो, जो सच है पॉलिटिकल पार्टी कोई कारोबार के इंसान के ऊपर हाथ नहीं देता है। हम लोग उस दिन भी झमेला हुआ, हम लोग शांति से ही थे। आप यहीं पर थे दादा? हम लोग इधर ही थे, दुकान आपका चल रहा था। हाँ, जब झमेला हुआ पुलिस बोला कि आप प्रोटेक्शन के लिए आप लोग बंद करो, बाकी तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस कारोबार जगह में कोई झमेला नहीं करता है, फायदा क्या है उनको? वोटर तो हम लोग ही है, गलत हो या सही हो, वोट तो हम लोग को ही देना है, पड़ेगा। सही है, सही है। अच्छा दादा ये बताओ सब ठीक चल रहा है यहाँ पर? ठीक है, नॉमिनल है, पूरा पूरी ठीक। क्या किस हिसाब से आप ठीक पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये जो विद्यासागर कॉलेज है, बड़ा यहाँ हंगामा हुआ था दादा, ये जो मूर्ति तोड़ी गई थी। मूर्ति तोड़ी क्या गई थी, सब अंदर का है, कोई बाहर के लोग आके तोड़े नहीं थे, सब यहाँ पर से, सब यहीं के लोग, सब यहीं के लोग से। हाँ, अंदर से है, जॉब तो सब कुछ मालूम है, बस यही है। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग भी यही है, स्थानीय लोग है, हम लोग नहीं चाहते सब आपस में झमेला। पॉलिटिक्स से क्या है आजकल? ये उस समय जो भूकंप आया था, जो तोड़ी गई थी। अच्छा। तो भूकंप की हलचल अभी भी है या दब गई? ठंडा हो गई है, ठंडा हो गई है। अभी भी वो विवेकानंद जी के नाम पे शुरू हो गया, टैगोर जी के नाम पे शुरू। पॉलिटिक्स वाले तो बहुत कुछ, अभी बंगाली के मुद्दे पर लग रहे हैं, कभी नेताजी के मुद्दे पर लग रहे हैं। देश का किसी को चिंता है नहीं, सीधे बात, देश का किसी को चिंता नहीं है। तो ये दिखाना कौन भीतरी कौन बाहरी है, तो वही बात है ना, इसका पहचान कौन? हम तो आप नहीं कर सकते हैं, हम आप तो नहीं कर सकते। आप बताओ भीतरी की परिभाषा क्या होती है? भीतरी की परिभाषा के अंदर के लोग और क्या बोले, अंदर के लोग खुल के लोग क्या बोल सकते, अंदर के लोग अभी आप कह रहे थे अंदर के लोग तोड़े थे, अंदर के लोग और क्या, यही बात है दादा, सब घुमा फिरा के बोले, सब घुमा, सब एक ही बात है सर, खिचड़ी से और क्या बोले, खुल के भी तो बोल नहीं सकते ना, बहुत कुछ रहता है दादा। खुल के ना बोलना ही बेहतर है दादा, क्यों भाई बैठे, किसी का नाम क्यों ले, किसी का नाम क्यों ले दादा, बहुत समझदार हो आप, सब पता है चीजें, ऐसी बात नहीं है। ओके दादा, ओके दादा, कैसा चल रहा है यहाँ चुनाव उनाव बताइए बंगाल में? बंगाल में चुनाव का अवस्था बहुत खराब है, हालत बहुत खराब हो गया है, हालत बहुत खराब है, आगे कितना आदमी मरेगा कोई उसको मालूम नहीं है। बताओ चुनाव हर देश में हर राज्य में होता है, यही ये मारपीट इतनी क्यों होती है? यही मारपीट होते है, यही लोग का कल्चर ही है मारपीट करना। किसका कल्चर है दादा ये? सभी पार्टी का, कोई बीजेपी बोले, कोई तृणमूल बोले, सभी पार्टी का। इधर में वो देखिए विद्यासागर जी की मूर्ति भी टूट गई थी यही बगल में, वो बात नहीं है, इधर में
झमेला हरदम रहता है। दूसरा स्टेट में देखिए इतना इलेक्शन के लेके माथा बैठा नहीं है। झमेला क्या बाहर से आके लोग करते हैं, यहाँ के लोग भी होते हैं उसमें? बाहर से भी आते हैं कि जो यहाँ का लोग भी है, सब मिलजुल के करते हैं। और दीदी कह रही है सब बाहरी लोग हैं? नहीं नहीं, सब बाहरी लोग हैं, नहीं घर के भी लोग है, बाहर का भी लोग है, सब मिला के सब झमेला। बंगाल के लोग इस पे गुस्सा नहीं होता है कि विद्यासागर जी के नाम पे राजनीति हो रहा है, सब विवेकानंद जी के नाम पे राजनीति हो रहा है, टैगोर जी के नाम पे हो रहा है, किंतु कोई इधर में प्रोटेस्ट करने का कोई ये नहीं है। जो प्रोटेस्ट करेगा उसका मन में भय होता है, जो बाबा हम नहीं बोलेंगे, बोलने से हमारा दिक्कत हो सकता है। दादा ये भी चक्कर है, आम पब्लिक बोलेगी उसे भी खतरा है, उसमें भी खतरा है। दादा माहौल बड़ा खराब है फिर तो? माहौल तो खराब है, अब देखिएगा टीवी वगैरह में तो हर दिन दिखा रहा है ये इधर मर्डर हो रहा है, उधर मर्डर हो रहा है, सब ये पहले भी होता था, ये इधर ज्यादा शुरू हो गया है? पहले तो होता ही था, अभी तो और भी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो गया। ये कुछ बदलेगा आगे चल के, क्या लग रहा है आपको? आगे चल के क्या होगा अभी सब हम देखेंगे क्या होगा, जो वही होगा जो मंजूर है जय होगा, जो मंजूर वही होगा। दादा क्या लेके जा रहे हो आप? यही तो सब घर का सामान लेके जा रहे हैं। घर का काम भी करना बड़ा जरूरी होता है। अब अगर घर में, अगर घर में होम मिनिस्टर को ठीक रखना है ना, घर में डांट ना खाना। दादा इस उम्र में भी डांट खानी पड़ जाती है? डांट तो खानी पड़ती है, होम मिनिस्टर का डांट तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ओके दादा, ओके शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।